हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आजकल सुनने के लिए बहुत कॉमन से टर्म हो गई है कि हमारा बच्चा फ्रूट नहीं खाता। तो अगर आप भी उन पेरेंट्स में से हैं जो बहुत ज्यादा वरी है कि हमारा बेबी फ्रूट नहीं खाता, हम क्या करें ताकि हमारा बच्चा फ्रूट खाना शुरू कर दे, तो डोंट वरी, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक सोल्यूशन जिसके थ्रू आप अपने बच्चे को फ्रूट खिला सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ 6 तरीके जिनसे आप अपने बच्चे को फ्रूट खिलाना सिखा सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस ये आते हैं कि क्या बच्चे को फ्रूट खिलाना जरूरी है। तो इसका आंसर है जी हाँ, बच्चों को फ्रूट खिलाना बहुत जरूरी है। अगर मैं फ्रूट्स के गुणों की बात करूँ तो फ्रूट्स में आयरन, मिनरल, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन भर भर के होता है। इसके अलावा फ्रूट में बहुत फाइबर होता है जो कि आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। आपके बच्चे को अगर आप फ्रूट्स खिलाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं होती। जनरली हम देखते हैं आप अपने बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं आयरन की कमी है, आयरन का सप्लीमेंट दे दिया। इसी से कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम का सप्लीमेंट दे दिया। विटामिन की कमी है तो विटामिन का सप्लीमेंट दे दिया। बट अगर आपका बच्चा ढंग से फ्रूट खाता है, प्रॉपरली सही मात्रा में फ्रूट खाता है, तो उसके अंदर ये सारी कमियां कभी भी नहीं होंगी। आयरन डिफिशियंसी, ऐसी विटामिन की कमी, कैल्शियम की कमी उनके अंदर कभी भी नहीं होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं ऐसी 6 तरीके जिनके थ्रू आप अपने बच्चे को फ्रूट्स खिला सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है, अगर आपका बच्चा अभी 6 महीने का हो गया है, फ्रूट्स के लिए वो रेडी है, सॉलिड के लिए वो रेडी है, तो आप उसको स्टार्ट करिए फ्रूट प्यूरी के थ्रू। फ्रूट प्यूरीज में आप कुछ भी दे सकते हैं, एप्पल प्यूरी दे सकते हैं, बनाना प्यूरी दे सकते हैं। सीजनल फ्रूट्स में अगर मैंगो है, मैंगो प्यूरी दीजिए। इसी तरह से चीकू की प्यूरी दीजिए। स्वीट पोटैटो आ रहा है तो स्वीट पोटैटो की प्यूरी दीजिए। बच्चे को ये बहुत पसंद आता है, बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है एंड बच्चे को ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सारे फ्रूट्स में ओरिजिनली थोड़ा शुगर एडेड होता है, आपको अलग से कोई शुगर ऐड नहीं करना पड़ता। बच्चा जब 6 महीने तक सिर्फ फीड पर रहता है उसके बाद वो अपना फर्स्ट फूड स्टार्ट करता है तो उसको भी प्यूरीज खाना बहुत अच्छा लगता है। और जितना इनिशियल लेवल पे आप अपने बच्चे को फ्रूट इंट्रोड्यूस करेंगे उतना जल्दी आपका बेटा या बेटी फ्रूट अडेप्ट करता है। जितना लेट आप इंट्रोड्यूस करेंगे फ्रूट्स, बच्चा रिफ्यूज कर देता है। तो सबसे पहला तरीका है, जैसे आपका बच्चा सॉलिड के लिए रेडी होता है आप कोशिश कीजिए उसको फ्रूट प्यूरीज देने की। एंड इट रियली वर्क्स। अगर आप शुरू से ही बच्चों को याद डालेंगे कि फ्रूट प्यूरी खानी है तो बच्चे बड़े होने के बाद फ्रूट सब्जेक्ट नहीं करते। दूसरा जो तरीका है वो है, आप अगर बच्चा आपका 1 साल से ऊपर हो गया है, च्यू कर सकता है, तो आप बच्चे को रॉ फॉर्म में फ्रूट दीजिए। अगर आपका बच्चा काफी बड़ा है, 2-3 साल का है, तो आप उसे पूरा फ्रूट भी दे सकते हैं। पर अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप उसको स्लाइस करके फ्रूट दीजिए। छिलके के साथ खा लेता है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर छिलका नहीं खाता है तो आप अपने बच्चे को स्लाइस दीजिए फ्रूट और उसके बाद फ्रूट को पील करके बच्चे को दीजिए। इससे क्या होता है, बहुत बच्चों को पील करे बिना अगर आप नहीं देते हैं, छिलके से ही देते हैं, तो बच्चे को खाना गले में अटक जाता है फ्रूट एंड वो प्रॉब्लम होता है। तो बच्चे को अगर आपका बच्चा फ्रूट छिलके के साथ नहीं खा रहा है तो उसको पील करके दीजिए, फोर्स मत दीजिए, वो उसको छिलके से खाए। अगर आप रॉ फॉर्म में फ्रूट दे रहे हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि फ्रूट के अंदर जितने भी गुण है, आयरन है, कैल्शियम है, वो बच्चे को डायरेक्ट मिल रहा है, कोई फिल्टर नहीं है बीच में, एंड जो भी बच्चे की रिक्वायरमेंट है वो फ्रूट के थ्रू पूरी हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है अगर आपका बच्चा रॉ फॉर्म में फ्रूट खाता है तो। पर अगर आपका बच्चा रॉ फॉर्म में फ्रूट नहीं खाता है, प्यूरी फॉर्म में फ्रूट्स नहीं खाता है, तो अब तरीके आते हैं कि आप बच्चे के खाने में कैसे फ्रूट्स छुपा कर दे सकते हैं बच्चों को। तो उसमें सबसे पहला तरीका है, आप बच्चे को फ्रूट दीजिए। दलिया खाता है बच्चा, मीठा दलिया खाता है, मीठे ओट्स खाता है, तो आप फ्रूट्स उस खाने में छुपा कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि जैसे मैं अपने बेटे के लिए दलिया बनाती हूँ, मीठा दलिया बनाती हूँ, मीठे ओट्स बनाती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ उसमें जब दूध डाल दिया, थोड़ी चीनी या जैसे आपको जो भी डालती है वो डाल दीजिए, उसके साथ आप कोई भी फ्रूट ऐड कर दीजिए। हाफ एप्पल ऐड कर दीजिए, बनाना ऐड कर दीजिए, चीकू ऐड कर दीजिए। अगर जैसे मैंगोज का सीजन था तो मैंगो ऐड करती थी मैं, तो बहुत सारे फ्रूट्स आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। एंड अगर बच्चा आपका रेगुलर ऑलरेडी
दलिया और ओट्स खाता ही है तो उसके लिए एक एडिशन हो जाता है डेज का फूड डालने से, एंड जो बच्चे को फूड की रिक्वायरमेंट होती है वो भी पूरी हो जाती है और आपकी वरी भी पूरी हो जाएगी कि बच्चा फूड नहीं खाता। मैं अपने बच्चे के लिए ओट जो यूज करती हूँ सब बोला ब्रांड को यूज करती हूँ, वो बहुत अच्छा है, इजीली बन जाता है। प्लस जब आप कोई दलिया या ओट चूज करते हैं तो ध्यान रखिए उसमें किसी भी तरह का एडिड फ्लेवर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्लेन वाला दलिया या ओट लीजिए, उसमें फूड्स डालिए तो बच्चों को बहुत पसंद आता है। दूसरा तरीका जो आप यूज कर सकते हैं बच्चों को फूड छुपा के खिलाने का वो तरीका है, जैसे मैं क्या करती हूँ मैं पैनकेक्स बनाती हूँ तो मैं बनाना पैनकेक बना देती हूँ तो ओट के साथ मैं बनाना मैश करके तब पैनकेक बनाती हूँ। इसी तरह से आप एप्पल ग्रेट करके तब पैनकेक बना सकते हैं तो बच्चा इस तरह से भी फ्रूट्स खा सकता है क्योंकि पैनकेक्स बच्चे को बहुत टेस्टी लगते हैं, अगर आप उसमें फ्रूट डाल देंगे तो वो बच्चा और अच्छे से खाएगा और हेल्दी भी रहेगा बच्चे के लिए। इसी तरह से मीठा कूड़ा अगर आपका बच्चा खाता है तो आटा जब आप गूंथते हैं उसमें आप थोड़ा सा सौंफ डालते हैं तो सौंफ के साथ आप खिला दीजिए, उसमें फ्रूट डाल दीजिए, आप एप्पल डाल सकते हैं, बनाना डाल सकते हैं, बहुत ऑप्शन है, जो भी बच्चा आपका प्रेफर करे आप वो फ्रूट डाल दीजिए तो क्या होगा उससे बच्चा ऑलरेडी आपका पैनकेक खा रहा था उसी तरह से आपका बेटा ऑलरेडी या बेटी जो भी है वो उस तरह से मीठा पूरा खा रहा था उसी में आपने फ्रूट ऐड कर दिया बच्चे को पता भी नहीं चलेगा और बच्चा इजीली खाएगा तो जो आपकी वरी है कि बच्चा फ्रूट नहीं खाता वो दूर हो जाएगी। इसके अलावा बच्चे को फ्रूट छुपा कर खिलाने का तरीका है दूध में मिलाकर दीजिए, जैसे कि मैं अपने बेटे के लिए करती हूँ, जैसे मेरा बेटा दूध पीता है तो उसमें एप्पल डाल देती हूँ तो एप्पल शेक बना देती हूँ, बनाना डाल दिए तो बनाना शेक हो गया, मैंगो आ रहा है तो मैंगो शेक बना दीजिए, अगर कोई आप बेरी यूज करें जैसे स्ट्रॉबेरी हो गई तो आप स्ट्रॉबेरी शेक बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि दूध का टेस्ट भी चेंज हो जाता है, बच्चे को एक नई चीज भी मिलती है एंड जो उसकी रेगुलर रिक्वायरमेंट है फ्रूट्स की वो भी दूर हो जाती है। तो आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए, मार्केट में बहुत सारे फ्लेवर्ड मिल्क मिलते हैं बट मैं आपको बोलूंगी कि वो फ्लेवर्ड मिल्क आप मत लीजिए क्योंकि उनमें एडिड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो आपके बेटे के लिए या बच्चे के लिए अच्छी नहीं होती हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप घर में शेक्स बनाइए दूध मिला के, दूध तो बच्चा पी रहा है उसके साथ उसको फ्रूट की रिक्वायरमेंट जो है वो भी पूरी हो रही है। इसके अलावा अगर आपका बेटा किसी भी तरह से फ्रूट खाने के लिए रेडी नहीं है तो आप उसको फ्रूट जूस दे सकते हैं। फ्रूट जूस में क्या करना है आपको ताजा फल लीजिए, ताजे फल का ताजा जूस निकालिए और वो बच्चे को दीजिए। आजकल मार्केट में बहुत सारे तरह के फ्रूट जूस अवेलेबल हैं, बट मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि फ्रूट जूस में बाहर के फ्रूट जूस में एडेड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो बच्चे को नुकसान दे सकते हैं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि फ्रूट जूस घर में निकालिए और ताजा ताजा बच्चे को दीजिए। अगर आप जूस की बात करते हैं तो मैं बोलूंगी कि जब आप फ्रूट से जूस एक्सट्रैक्ट करते हैं तो हाँ कहीं ना कहीं उसका फाइबर बच्चों को नहीं मिलता है, बट इसके अलावा फ्रूट में जितने भी गुण है लाइक आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, विटामिन हो गया, ये सब चीजें बच्चे को आपको फिर भी मिलेगी। तो फ्रूट वैसे लीस्ट ऑप्शन है, अगर ऊपर के किसी भी ऑप्शन से बच्चा फ्रूट नहीं खा रहा है तो आप फ्रूट जूस बच्चे को दे सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे डेली अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।